ये ना भाई नीचे आपको अरे कैमरा थड़ी है ना सोनू का कॉफी टेबल है बेहतरीन एक बहुत बड़ा आयोजन है सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया मीडिया के हमारे मीडिया के साथी आज पर्यटन विभाग द्वारा हैप्पी गंगा विहार की शुरुआत की गई है और हमारे साथ अभय कुमार सचिव पर्यटन विभाग यशस्वती मिश्रा जी निदेशक पर्यटन विभाग यहाँ उपस्थित है और साथ ही साथ सोनपुर मेले की कॉफी बुक टेबल जो है इसकी भी लॉन्च की गई है। एमपी बिहार की शुरुआत पटना के लोगों को बिहार के लोगों को एक बेहतर सेवा के लिए सर्विस के लिए इसकी शुरुआत कराई गई ताकि पटना के लोग बिहार के लोग बर्थडे पार्टी हो या कोई सेलिब्रेशन हो तो इसका लुत्फ उठा सकते हैं या रेस्टोरेंट आना हो छोटे रेस्टोरेंट का लुत्फ जो है वो उठा सकते हैं। पर्यटन विभाग लगातार प्रयासरत है कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट और इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो आए और इसको देखते हुए विभाग जो है लगातार इस दिशा में काम कर रही है और बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं बिहार में जहां पर्यटन को देखते हुए पर्यटक की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है चाहे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व हो बांका का औंडी डैम हो राजगीर हो बोध गया हो जमुई कैमूर के इलाके हो या सासाराम में से सासुरी टॉम्ब हो आप देखिएगा बिहार जो है सिख धर्म के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थल भी रहा आखिरी गुरु रहे और वही नहीं अशोक चाणक्य से लेकर के आर्यभट्ट से लेकर के कई महापुरुष जो हैं उनकी धरती रही है सीता जी की धरती रही भगवान बुद्ध की धरती महात्मा गांधी की कर्म भूमि तो बहुत कुछ है जो बिहार में किया जा सकता है और एमपी गंगा बिहार खासियत हम आप लोगों को बता दें कि द पीपल्स इंजीनियरिंग एंड मोटर वर्क्स लिमिटेड कोलकाता से मार्च 2009 में इसको खरीदा गया था और तकरीबन 1,32,00,000 रुपए में खरीदा गया था और 2016 से यानी 6-7 साल से यह बंद पड़ा हुआ था। हमारे विभाग के लोग सचिव और अन्य अधिकारी हम सब लोगों ने मिलकर के इनिशिएटिव लिया कि जब हमारी प्रॉपर्टी है तो इससे हम लोगों को रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए साथ ही साथ लोगों को बेहतरीन सेवा भी देनी चाहिए पड़ा रहता है क्या कोई मतलब नहीं
अब देखिए अब चालू हो गया है, सरकार को रेवेन्यू भी आ रहा है, पैसा भी मिल रहा है सरकार को, और लोग जो है इसका लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो बहुत ही इनिशिएटिव लेकर के इसकी शुरुआत की गई है आज, और हम विभाग के लोगों को धन्यवाद देते हैं, और खास तौर पे बिहार और पटना में जो लोग रहने वाले हैं उनसे अपील करते हैं कि आ करके सेवा का लाभ उठाने का काम करें। और ये तकरीबन इसमें जो रेस्टोरेंट है इसकी कैपेसिटी जो है 48% की है, साथ ही साथ इसमें दो रूम भी है, एक वीआईपी रूम है, वीआईपी लाउंज, वन प्राइवेट लाउंज, जिसका लगभग 30 लोगों की कैपेसिटी है ओपन एरिया की, एक किचन है, 3 बाथरूम है, एक गेस्ट प्लस 1 रेस्टोरेंट प्लस 1 स्टाफ, 1 स्टोर रूम और 1 व्हील हाउस 6 लोगों की बैठने की, और स्टाफ रूम जो है 2। तो ये इसकी कैपेसिटी है पूरी, और हम लोग जो है इसका सारा डिटेल्स वगैरह कि कैसे इसकी बुकिंग होगी, क्या प्रोसेस होगा, कितने घंटे के लिए, कितने दिन के लिए अगर आप बुक करना चाहें तो उसका रेट वगैरह जो होगा वो विभाग जो है आप लोगों को बाद में डिटेल जो है वो दे देगा। और आप सब लोग मीडिया के लोग सब लोग जो है आज हमारे साथ सफ़र किए हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों का भी एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो रहा होगा इसका, बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। और यही अनुभव जो है हम चाहेंगे कि आप लोग बिहार के लोगों को बांटने का काम करें और बतलाने का काम करें, ताकि लोग जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस का इस्तेमाल कर सकें। तो और कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर पहले सर गंगा में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, नौका परिचालन की बनारस हो या अन्य जगहों पर देखने को मिलता है, उस दिशा में यहां पर कुछ और इनिशिएटिव लिया? नहीं, और भी बोर्ड्स की बात चल रही है, और हमको लगता है आने वाले समय में और भी बोर्ड्स हम लोग शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो विभाग है पर्यटन विभाग, गंगा में वाटर स्पोर्ट्स को देखते हुए एक इंटरनेशनल लेवल का एक वाटर स्पोर्ट्स की व्यवस्था कराई जाए, ताकि लोगों को केवल गोवा या अंडमान भागने की ज़रूरत ना हो, ये सारी सेवाएं जो है हम पट्टा में ही दे पाए, वैसा हम लोग विचार कर रहे हैं। इसको कैसे लागू करेंगे इस पर भी विचार चल रहा है, क्योंकि सेफ्टी को देखते हुए पहला प्रायोरिटी जो है सेफ्टी है, तो हर एक चीज़ हम लोग देखेंगे और कोऑर्डिनेट करके इस पे जो काम करें। साथ ही साथ रिवर फ्रंट बनाने की बात, उसमें 3-4 डिपार्टमेंट मिलकर के काम करें, उसमें भी हम लोग गंभीर हैं। पर रिवर फ्रंट बन जाए जिसको आप लोग मरीन ड्राइव करें, ये रोड जहाँ था शाम में देखते हैं उनकी काम की वो ऑर्गेनाइज तरीके से हो जाए, और सरकार उसमें और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर दे, बहुत ही अच्छा। तेजस्वी जी, यहाँ आने में बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब दीघा में तो नहीं व्यवस्था? दीघा में शुरुआत बात की गई, वहाँ भी जो जेटी है जी वहाँ से भी लोग जो है इसका लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक घाट किनारे सर रेस्टोरेंट बनाने को लेकर भी कुछ योजना चल रही है क्या, क्योंकि जो घाट किनारे रेस्टोरेंट बनाने की, क्योंकि पर्यटक जो आते हैं उन्हें वो रिवर फ्रंट का वन ऑफ द पार्ट है, अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, तो हम ज्यादा अभी कुछ कहेंगे नहीं उस बारे में, लेकिन एक राज्य सरकार जो है एक अच्छा सौगात जो है, और हमको लगेगा जब बनेगा तो देश दुनिया में ऐसा रिवर फ्रंट कहीं नहीं होगा, वहाँ हर एक चीज़ कल्चरल हो, मेमोरियल हो, स्पोर्ट्स को लेके हो, या आप जो कह रहे हैं बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स, मल्टी लेवल पार्किंग, लोग आएंगे तो गाड़ी कहाँ लगे, तो ये सारा व्यवस्था जो है हम लोग कर रहे हैं।